सो फ्रेंड लेट्स डिस्कस अबाउट द गुजरात पीपा ऑफ पॉट बिजनेस लेट्स डीप डाइव इनटू दैट बिजनेस इज इट इन्वेस्टेबल और नॉट इसका जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है दैट इज अराउंड वन एटीन रुपीज़ क्या ये शेयर प्राइस दो सौ पचास जा सकता है यहाँ से बिजनेस डबल हो सकता है इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ऑल दोज थिंग्स वी गोइंग टू कवर्ड इन दिस वीडियो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी गुजरात पीपा ऑफ के अंदर तो ये वीडियो जरूर से आप देखिए एंड स्टिल इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द पिरामिड इन्वेस्टमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रेंड्स लेट्स डीप डाई इन टू द गुजरात पीपाव पोर्ट बिजनेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस फंडामेंटल यहाँ पर आप देखोगे तो पोर्ट का बिजनेस अंडरस्टैंड करना वेरी ईजी है कि जो भी चीज़ इंडिया से बाहर जाती है और इंडिया के अंदर आती है थ्रू पोर्ट से आती है मतलब कि ये जो दरियाई मार्ग होते हैं जहाँ समुद्र से जो चीज़ लाई जाती है थ्रू स्टीमर वो पोर्ट पर लाई जाती है ये फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये सिक्सटी फाइव लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट वे से ये लोग वर्क करते हैं और ये जो गुजरात पिपाओ पोर्ट है वो यू नो लोकेटेड इन गुजरात सौराष्ट्र नियर बाय राजूला

लाइक अ टाटा और सुजुकी और हुडाई वॉट एवर सो ये जो कंपनीस का जो इसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो रोरो थ्रू होता है ये सो द फॉर्म एंगेज इन प्रोवाइडिंग दोर्ट सर्विस राइट एंड सच इज मरीन सर्विस बर्थ हायर यू नो वेफेज कंटेनर हैंडलिंग यार्ड ऑपरेशंस यू नो सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसिज रिगार्डिंग यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कंटेनर एंड ऑल सो दिस इज़ यू नो फाउंडेड इन नाइनटीन थर्टी सेवन ऑलमोस्ट यू नो नाइन्टी ईयर्स कमी के हो चुके हैं एंड हैड क्वार्टर इन द मुंबई ओके यू नो ऑलमोस्ट ए पी एम टर्मिनल के पास आज के डेट पर फोर्टी फोर परसेंट स्टेक है अपने पास मतलब कि मार्केट में फिफ्टी फाइव परसेंट स्टेक आउट में है ओके वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि इसकी जो मार्केट कैप है वो अभी भी स्मॉल है यू नो सो दिस इज़ यू नो मोर ग्रोथ पोटेंशियल अहेड बिकॉज ऑफ इंडिया ग्रोथ यू नो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जब होता जाएगा क्योंकि अभी यू नो इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट है तो यहाँ से यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्टली इम्पेक्ट बिजनेस पर आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो यू नो दिस इज द फॉरनर सी ई है और ऑलमोस्ट पाँच हजार सात सौ करोड़ का मार्केट कैप है आज की डेट पे बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस के उसके पास जो डिविडेंड ईल्ड है दैट इज ऑलमोस्ट फाइव परसेंटेज मतलब कि आपको एवरी ईयर कुछ नहीं तो फाइव परसेंटेज डिविडेंड तो मिलने वाला है तो दैट्स अ डिविडेंड कंपनी एज वेल कंसिस्टेंटली दे प्रोवाइड द डिविडेंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑलमोस्ट कंपनी के यू नो हंड्रेड साल पूरे आने आए हैं तो दस साल में डेफिनेटली हमें अच्छा रिटर्न देने का चांसेस है ओके okay. लेट्स डिस्कस अबाउट द सम यू नो फाइनेंशियल डेटा तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट मार्जिन है नेट इनकम है ऑलमोस्ट थर्टी फोर परसेंट है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्जिन थर्टी फोर परसेंट बिजनेस का मार्जिन है फाइनल जो नेट मार्जिन है और उसकी इसका बैलेंस शीट की तरफ हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट थ्री बिलियन आई एन आर का है उसके सामने सेवन नाइनटी फोर का ही डेफ्ट है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल बिकॉज कंपनी इज़ अ वेल डेप मैनेज कंपनी इज ऑलमोस्ट नेग्लेजल कंपनी के पास आज की डेट पे डेप्ट है ओके okay? और अगर हम आगे बढ़ते हैं उसके स्टेटमेंट की तरफ तो एनुअल स्टेटमेंट में अगर ले लेते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है रेवेन सॉरी कैश फ्लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नेट इनकम ईयर रेवेन्यू ओके तो इनकम स्टेटमेंट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कंपनी का लास्ट यू नो सिक्स सेवन इयर्स का डेटा आप देखते हो तो सिक्स पॉइंट एट थ्री देन लिटल बिट डिप देन सेवन देन सेवन पॉइंट थ्री फोर देन सेवन थर्टी थ्री एंड देन सेवन पॉइंट फोर वन दैन नाइन वन सेवन उसके अंदर आप देखोगे तो कोविड वाला जो पोर्शन है वो आप अगर यहाँ पर निकाल सकते हो क्योंकि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ जो ट्रेड्स थे उसमें स्लो डाउन हुए थे ड्यू टू द लॉकडाउन इफेक्ट सो लास्ट दो साल से कंपनी है वो स्ट्रगल कर रही वहां पे यू you नो know, तावते भी आया था बाद में लास्ट ईयर भी एक यू नो साइक्लोन आया था सो ड्यू टू दिस नेचुरल इफेक्ट यू नो स्लो डाउन इन द रेवेन्यू एज वेल एज नेट इनकम बट यू नो देर अगेन लास्ट ट्वेल्व मंथ में आप देखोगे तो नाइन 27. That's a drastical change in the revenue. So consistently, you know, revenue is increased from 6 billion INR to 9.27 billion INR. So revenue consistently growing. Ho कंपनी के साथ में आप नेट इनकम देखो तो नेट इनकम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2.82 है बाद में लिटिल बिट डीप हुआ एंड देन अगेन इट्स ग्रो अप देन थ्री देन 2.2 दैट्स यू नो दैट्स कोविड टाइम यू नो टू टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी दिस इज एक्सेप्शनल ईयर दैट्स यू नीड टू यू नो रिमूव फ्रॉम दिस यू नो नेट इनकम आप इसको मतलब वो नहीं मान सकते बिकॉज ऑफ द कोविड एंड देन साइक्लोन ओके टाउथ साइक्लोन एंड ड्यू टू दिस यू नो ऑल दिस नेचुरल फिनोमिना की वजह से बिजनेस में अंदर स्लो डाउन आया था बट बिजनेस इज अ वेल मैनेज सो इट्स अगेन बाउंस बैक सो यहां पे आपको अगर उसका कैश फ्लो आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्री कैश फ्लो आपको कंसिस्टेंटली यू नो स्ट्रॉग दिखता हुआ है और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो भी बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है तो कंटिन्यूसली टू पॉइंट सेवन नाइन से थ्री पॉइंट थ्री बिलियन के अराउंड फ्री कैश फ्लो है कंपनी का और कंपनी का अगर आप यू नो बैलेंस शीट की तरफ अगर आप जाते हो तो यहां पे मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो यू नो करंट रेशियो है वो ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स करंट एसेट से ज़्यादा है सॉरी करंट एसेट थ्री टाइम करंट डेफ्ट से ज़्यादा है तो करंट रेशियो थ्री पॉइंट सिक्स फोर है और कंपनी का जो डेफ टू इक्विटी है जीरो पॉइंट जीरो थ्री मतलब कंपनी ऑलमोस्ट नेगलीजेबल डेफ्ट है लॉन्ग टर्म डेफ इक्विटी जो आपका रेशियो आप देखोगे तो ओप्ट जीरो पॉइंट जीरो थ्री है मतलब लिटल बिट डेफ्ट है जो मैंने आपको बताया वो सेवन नाइन्टी फोर मिलियन आए ना ओके एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हाउ मच आर ओ ही ऑफ द बिजनेस सो आर ओ थर्टीन परसेंट है मतलब यू नो ऑलमोस्ट मोर देन ट्वेल्व परसेंट इज अक्सलेंट यू नो गुड आर ओ ई एज़ फार एज़ द यू नो स्टैंडर्ड स्टैंड कंपेयर टू तो आर अगर बारह से ज़्यादा है तो अच्छा है आर भी ऑलमोस्ट मेंटेन है वो भी तेरह के अराउंड है दैट्स अ वेरी गुड एंड द वन इंटरेस्टिंग नंबर इज़ दैट कि यहाँ पर आप नेट मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट थर्टी वन परसेंट का आपको मार्जिन देखता हुआ दिख रहा है येस फ्रेंड्स तो ये एक बिजनेस ऐसा है जो हाई ग्रोथ आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बट इट्स अ प्रिडिक्टेबल बिजनेस यू नो ये कंपनी जो है उसकी जरूरत इंडिया को पड़ेगी इंडिया को जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो एग्रीकल हो या फिर लिक्विड हो या फिर यू नो नोट ऑटोमोबाइल का जो कार्गो हो सो yes, so, और कंपनी uh, एक्सपेंशन yeah, कर रही है आप अगर उसके अंदर डीप डाइव करते हो तो कंपनी तो का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है वो स्टेबल है कंपनी का जो बैलेंस ba शीट है दैट इज अ वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट दैट्स इट सस्ते इन द यू नो टफ सिचुएशन एज वेल सो इसकी वजह से आप यहाँ पे देखते हो तो कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखते हो तो ड्यू टू नेट इनकम एंड देन कोविड एंड ऑल दो थिंग कंपनी स्ट्रगलिंग एंड दैट्स वाई द शेयर प्राइस ड्रॉप फ्रॉम टू सिक्सटी फाइव रुपीज़ टू सिक्सटी रुपीज़ से लेके कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट फिफ्टी रुपीज़ तक आ गया तो मतलब आप देखोगे तो कंपनी का जो आप अगर मेज़र करते हो तो ऑल टाइम आई से कंपनी ऑलमोस्ट यू नो अगर हम मेजर करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट यू नो 80 परसेंट ड्रॉप हो चुका था दैट्स यू नो वेरी रिडिकुलस डाउन इन द स्टॉक मार्केट यस फ्रेंड तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंटली यू नो स्टॉक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और सबके यू नो हाईलाइट में स्टॉक आया है तो यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट फाइव ईयर का एक जो कप बना था उसको यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देखोगे तो टू था सॉरी दो साल का जो कप बना था उसको यहाँ पर कंप्लीट किया है टू 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 2023 ट्वेंटी थ्री सो ये जो कप है उसको अभी क्लियर किया है तो यहां पे मतलब रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है तो लास्ट जो लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे वो भी स्ट्रॉन्ग आए थे क्वार्टर 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 के रिजल्ट्स भी यू नो ऑन अच्छे रिजल्ट इस बार भी यहां देखने को मिला है तो यहां से अगर आप इसका अगर वैल्यूएशन निकाल तो यहां पर आपको जो ग्रीन लाइन ये दिख रही है दैट इज द इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन द डिस्काउंट एंड नेट इनकम मेथोडोलॉजी हमने इसका वैल्यूएशन निकाला है तो कंपनी का वैल्यूएशन शेयर का वैल्यू आज के डेट पे 220 रुपइस है तो कंपनी आज की डेट पे 118 पे ट्रेड कर रही है अकॉर्डिंग टू वैल्यू सो इट्स ऑलमोस्ट यू नो आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन से कितना अंडर वैल्यू है हम चेक कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट यू नो कंपनी इज नियरली 50% डिस्काउंट यस फ्रेंड्स सो 50% डिस्काउंट में कंपनी ऑलमोस्ट हमें आज की डेट पे मिल रही है ओके okay? कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है कंपनी का प्रेडिक्टेबल फ्यूचर है कंपनी uh, का रेवेन्यू ग्रो होने का मैक्सिमम चांसेस है राइट कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और कंपनी अंडर वैल्यू है तो इसके अंदर डेफिनेटली हम हमारा पोर्टफोलियो का वन टू टू परसेंटेज अलोकेशन कर सकते हैं हाँ आप यहाँ पे इतना हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको यहाँ से तीस परसेंट चालीस परसेंट रिटर्न मिल सकता है बट यू कैन एक्सपेक्ट द सस्टेनेबल प्रिडिक्टेबल ग्रोथ सो अगर ये बिजनेस इस तरह से ग्रो होता है तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई को टच करेगा विद इन वन टू टू ईयर्स के अंदर टच कर सकता है बट डिस्क्लेमर इज दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज वी आर जस्ट शेयरिंग आवर नॉलेज एंड बेस्ड ऑन आवर डेटा येस फ्रेंड्स सो

होप यू एंजॉय दिस वीडियो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो इट्स योर यू नो चॉइस बट वी जस्ट इन्फॉर्म यू वॉट एग्जैक्टली द बिजनेस इज ऑल अबाउट बट स्टिल यू नो इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर इफ हाउ टू इन्वेस्ट यू जस्ट यू नो व्हाट्सएप और मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे कस्टमर केयर का नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो और किस तरह से आप अपना वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो कैसे बिजनेस को यू नो बेस्ट बिजनेस पिक करके आप उसके अंदर पैसा लॉन्ग टर्म प ऑफ व्यू लगा सकते हो तो वो सारी चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं पर्सनली और वी आर द दाइज पार्टनर विद विद्यू डायरेक्ट एज वेल्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हो तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है हमारे साथ तो आप वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो स्टिल इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द पिरामिड इन्वेस्टमेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू